नमस्कार सभी भाई और बहनों को। नमस्कार सभी भाई और बहनों को। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं? रसमलाई। रसमलाई, और वो भी एकदम आसान तरीके से। घर पे रसमलाई कैसे बनाते हैं देखिए आप। और ये दूध तो लाल ही होगा। तो रसमलाई बनाने के लिए मैंने दूध गाढ़ा होने के लिए चढ़ा दिया था, और ये देखिए दूध गाढ़ा भी हो चुका है, और कुछ भी नहीं डाला मैंने इसमें, ओनली दूध को गाढ़ा किया है। रसमलाई बना रहे हैं एकदम आसान तरीके से, और सूजी से रसमलाई कैसे बनाते हैं। पनीर से नहीं बनाएंगे, सूजी से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा राजस्थानी पत्नी है नहीं, आपके पति ने सब कुछ मानना, खाली पति को क्या नहीं को मानना नहीं। वीडियो चालू कराई होगी अभी मैं इसमें चीनी डाल रही थी, कल्पना ने वीडियो ऑन नहीं किया। चीनी मैंने डाल दी है मीठा करने के लिए, इस रबड़ी को चीनी डाल दी है, और ये अभी इलायची कूट के डाल रही हूँ। वंदना अभी घर से आएगी, घर पे गई हुई है, ये इलायची के दाने कूट के डाल देंगे। चीनी डाल दी है, इलायची डाल दी है, थोड़ा सा कलर डालो। नहीं है? नहीं, सूजी इतनी तो पतली है, छोटी है, उसको भी पीस रही हो। ये बड़ी वाली सूजी है तो इसको थोड़ा सा पीस लेंगे। अगर आपके पास बारीक सूजी है तो पीसने की जरूरत नहीं है। एक कटोरी मैंने सूजी ली है, इसको थोड़ा सा पीस लेंगे। एकदम बारीक हो गई, थोड़ी सी हो गई। तो फिर ये भी मैंने मेरे लिए थोड़ा सा ले लिया है कि कैसा होगा, मैं भी टेस्ट करूंगी सीधा। बहुत टेस्टी होगा। अरे इसमें मैंने कढ़ाई के अंदर घी डाल दिया है, घी डाल दिया है, या सूजी डाल देंगे। सूजी को भून लेंगे, ज्यादा नहीं भुनेंगे, थोड़ा मतलब थोड़ी सी कलर चेंज ना हो इसका। इधर मैंने दूध गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, दूध डालेंगे इसके अंदर। और हाँ, ये दूध गर्म हो रहा है, और ये सूजी को भून लेंगे, ज्यादा कलर चेंज भी नहीं होने देंगे इसका, थोड़ी भूनेंगे। रस मलाई के अंदर सिर्फ मलाई के अंदर ही रस होता है क्या? तभी रस मलाई नाम है। मलाई के अंदर रस? हाँ। रस मलाई जिसमें रस भी होता है और मलाई भी होती है। हाँ। जो ये बनाया ना हमने रबड़ी जैसी बनाई है मावा, शायद इसी की वजह से इसको रस मलाई बोलते हैं, तो ये कितना टेस्टी होता है ना। मैं तो मुँह में पानी आ रहा है कि अभी खा लूं, लेकिन अभी बनी नहीं है। रसमलाई नाम है, कितना सुंदर है। रसमलाई नाम तो एकदम यहाँ गजब है नी। हाँ। रस तो भाई नाम ले आते हैं बुंदे। हाँ। तो बस थोड़ा सा इसको सेक लिया है, अब इसके अंदर हम डालेंगे दूध। एक कटोरी हमने सूजी ली थी, दो कटोरी के लगभग इसमें दूध लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। इसमें 4 चम्मच के लगभग चीनी डाल देंगे। अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। थोड़ा ज्यादा खाना चाहिए तो थोड़ा ज्यादा डाल सकते हैं। अभी बाहर आ गई है, ये डो बन गए, इसको थाली के अंदर निकाल लेंगे। थोड़ा गर्म है, इसको इस तरीके से मसल मसल कर थोड़ा सॉफ्ट करना है। सख्त हो जाएगा बहुत ज्यादा। थोड़ा सा घी लेंगे हाथ के अंदर, हाथ को चिकना कर लेंगे, और ये देखिए मैंने इसको मसल मसल के कितना अच्छे से कर लिया है सॉफ्ट। तो देख किया मस्त हो गया नहीं। हाँ? इसको मैंने गूंद लिया जैसे आटा गूंदते हैं। अब इस तरीके से रसमलाई बनाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले गोल गोल एकदम रसगुल्ले की तरह बनाएंगे, फिर इस तरीके से कर देंगे, इस तरीके की बना लेंगे। फिर इसके अंदर ऐसे और करना है। ये
ये फटाफट बनने वाली रेसिपी है, भले दीपावली पर भी या कोई मेहमान आ जाए घर पर तब ये बना सकते हैं। अब ये देखो कितने बने, ये इतनी सारी रसमलाई बना ली है। इस रबड़ी के अंदर मलाई बहुत ज्यादा थी इसलिए मैंने इसको मिक्सी के जार के अंदर पीस कर दोबारा कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और इसको अभी गर्म कर रही हूँ। ये देखिए अभी इसके अंदर मलाई नहीं है, रबड़ी को मैंने पीस के डाल दिया इसके अंदर। इसको सीधा इसके अंदर दबोना है क्या? हाँ अब इसके अंदर पकाएंगे। अब इन्हें ये जो बनाई है हमने सूजी की इनको इस मावे के अंदर डालेंगे। ये मावा ही है, एकदम मावे जैसा ही हो गए, गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी बन गई है। सारे हम इसके अंदर डाल देंगे, बहुत सारी बनेगी बाबू। ये देखिए सारी इस रबड़ी के अंदर डूब गई है, थोड़ी देर इसको पकने देंगे। गैस को मैंने कम करके रखा है तो 5-7 मिनट हो गए इसको पकते हुए। ये झाग है ना, जब मैंने इस रबड़ी को मिक्सी के अंदर पीसा ना तब ये झाग आ गए, ये दिख रहे हैं ना थोड़े थोड़े। बाकी ये देखिए एकदम सही है, 5-7 मिनट हमने इसको पका लिया है। एक भी ये जो रसमलाई ये नहीं टूटी है, ये चम्मच से कोई टूट रही है, बाकी तो एकदम सही है। अब इसके ऊपर हम थोड़े ड्राई फ्रूट डाल देंगे, बादाम पिस्ता। भगवान जी चढ़ाइए पहला। रसमलाई बनकर तैयार है, अभी हम दोनों माँ बेटी टेस्ट करके देखेंगे। इसको दूध पिट्ठा भी बोलते हैं, सूजी का पिट्ठा ऐसे भी बोलते हैं। यम्मी, वेदु स्वादा। मुझे ये जैसे पनीर के बनाते हैं ना वैसी तो नहीं है, टेस्ट अलग है इसका लेकिन स्वादिष्ट है। जैसे वो पनीर बना के बनाते हैं ना वो ज्यादा स्वादिष्ट होती है, उससे थोड़ी सी कम स्वादिष्ट है पर अच्छी लग रही है। वंदना आ गई है घर से, जल्दी आ गया। हाँ। मैं केवड़े ना जाने तो रस मलाई। हाँ। गणेश जी की मूर्ति पर देख रहा फूल से दुआया। तू खा के देख, टेस्ट कर गया है। स्वाद है, खा ले। क्या भी बनेगी है? माओ है इमारा भी सी नहीं जकी तो और सूजी के आ सूजी को है। गुड मॉर्निंग सभी भाई और बहनों को। तो अभी मैंने बच्चों को खाने में पोहे बना के दिए हैं और दूध गर्म हो रहा है, स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई है, बाल बुलाने बाकी हैं उनके। खाना खा रही है अभी, ये खाना खा रही है। तो अभी मैं वंदना के बाल बना रही हूँ, ये खाना खा लेती है उसके बाद ही मैं बाल बनाती हूँ। मैं बाल बनाते ही स्कूल जाएंगी, टिफिन बोतल भी तैयार है, डाल दिया मैंने। वो जो कल बनाई थी ना रसमलाई वो भी डाल दी टिफिन के अंदर। मैं स्कूल जा रही हूँ। स्कूल जा रही हो? हाँ। अभी तो बाल बना रही हो। बाल बनाने के बाद में जाऊंगी ना स्कूल। हाँ, होमवर्क किया हुआ पूरा? हाँ। तो अभी वंदना के पापा खा रहे हैं रसमलाई, कल शाम को तो इन्होंने खाई रही थी, घर पे खाना खा के आए थे। खन ले आ दिया खन को गई नहीं बनाई है घर। तेरे बनाई थी और कौन बनाई हो? मैं लगे कौन मैंने घर बनाई दिया, इतनी स्वाद लग गया सच में। था बनाई वीडियो दिखा दे था ना, इतनी टेस्टदार। हां चलो बढ़िया, तारों पसंद आई, इतनी टेस्टदार है तो बना दी। वैसे क्या है कि इनको मीठा बहुत पसंद है, मीठे में कुछ बनाती हूँ ये खुश हो जाते हैं। अब बना लियो ने बार वीडियो ये तीसरी खा रहे हैं अभी। छोड़ आ जा तो बच्ची है के
समझ रहे खाली टिफिन में मिलेगी नहीं हो रहेगी हां हो रहे फुल है हां और पसंद आई नहीं हां या नहीं यार नेवर दीवान हां बढ़िया और टिफिन में भी लेके गई है वहां तो इस वीडियो का अंत मैं यहीं पर कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।